देखिए दोस्तों, एक इंक्लाइंड सरफेस है, मैंने क्या किया, एक सरफेस था, मान लीजिए सरफेस है, मैंने इसको इंक्लाइंड यानी कि यहां से देखिए मैं क्या कर लिया, यहां से थीटा डिग्री एंगल पे क्या कर दिया, एक सरफेस को किसमें, फ्लूड में, ये क्या फ्लूड है, फ्लूड में क्या कर दिया, डुबो दिया। थीटा डिग्री एंगल पे एक फ्लूड में मैंने इंक्लाइंड सरफेस को क्या कर दिया, इंक्लाइंड डुबा दिया, एक सरफेस को इंक्लाइंड तरीके से डुबाया। अब मान लेते हैं कि जो सबसे पहले पूरी पटल है, पूरे सरफेस है, तो एक ही बार तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन करेंगे। मैंने यहां पे एक मान लेते हैं कि सीडी पार्ट लिया है, ठीक, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, एक मान लेते हैं सीडी पार्ट है, और इस सीडी पार्ट के लिए जो हमको सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद समाकलन करके पूरे पटल का निकाल लेंगे, पूरे सरफेस का निकाल लेंगे, ठीक। तो आप देखिए, मान लेते हैं कि ये जो सरफेस मैंने माना है, छोटा सा भाग, इस भाग की जो दूरी है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मुक्त सतह, मान लेते हैं ओ है, जो क्या है, मुक्त सतह है, द्रव का मुक्त सतह, यानी कि इसके ऊपर द्रव नहीं है, ऊपरी तल है एकदम। अब ये देखिए दोस्तों, द्रव के ऊपरी तल से मैंने क्या कर दिया, एक लंबवत रेखा खींच, ठीक, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, उससे मैंने डिस्टेंस जो पट्टी मानी थी उसकी पट्टी वाई मान ली, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते यहां है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितना मान लिया मैंने, वाई बार मान लिया, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर उसके नीचे होगा, क्योंकि दाब बढ़ने के गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब बढ़ती है, इसलिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, गुरुत्व केंद्र से नीचे होगा, और गुरुत्व केंद्र से नीचे मैंने माना है क्या है, वाई स्टार मान लिया। इसी तरह मैंने यहां से दूरी अगर देखूं तो मुक्त सतह से तो मैंने पट्टी की जो दूरी है एच मान ली, फिर गुरुत्व केंद्र की दूरी कितना मान ली, एच बार मान ली, और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो दूरी मान ली एच स्टार मान ली, ठीक। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप इस थीटा को देखिए, जब आप थीटा देखेंगे तो थोड़ा सा आपको एक पॉइंट मिलेगा दोस्तों, कि एंगल से आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर एच अपान वाई, ठीक, और बराबर क्या हो सकता है, एच बार अपान वाई बराबर एच स्टार अपान वाई स्टार। आप इसको देखे रहिए, बस अभी इसका आगे काम है, मैं बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले हमको फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट करता हूँ, टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं। अगर मैं इस पट्टी की बात करूं तो इस पर टोटल फोर्स कितना, डीएफ एक्ट कर रहा होगा, और डीएफ बराबर क्या होगा, मान लीजिए फोर्स क्या है, पी दाब है, इंटू एरिया कितना डीए मान लेते हैं। और मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि पी बराबर होता है क्या, रो जी एच होता है, ठीक। तो डीएफ बराबर यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू डी ए, ठीक, ये आपको मिला दोस्तों। अब यहां से आपको क्या करना है, पूरे समतल का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन कर लेंगे। जब दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो डी एफ इक्वल टू क्या होगा, आपका समाकलन में देखिए रो और जी क्या बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या बचेगा, यच, यहां से देखिए यच अपान वाई बराबर साइन थीटा, तो एच बराबर आपका क्या मिल जाएगा, देखिए तो वाई साइन थीटा मिलेगा आपको, तो मैं क्या एच के यहां पर लिख सकता हूं, वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ठीक। तो डीएफ का समाकलन क्या होगा, एफ होगा, रो जी बाहर हो गया, साइन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचा क्या है, वाई इंटू डी ए, वाई इंटू डी ए जो है वो क्या होगा, आप मुझे बताएंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा तो वाई इंटू डी ए, वाई कहां से दूरी है, जो आपने पट्टी मानी है वहां से दूरी है। अब पूरे का आप समाकलन कर रहे हैं तो पूरे का मास कहां एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी की दूरी आपने कितनी मान रखी है, वाई बार मान रखी है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी डिस्टेंस आपने क्या मान लिया है, वाई बार मान लिया है। तो यहां से आप क्या, आपका क्या निकल सकता है दोस्तों, एफ बराबर टोटल फोर्स जो निकलेगा, रो जी साइन थीटा इंटू वाई बार और डी ए का क्या, ए, ये तो आप क्या निकलेगा, आपको टोटल फोर्स निकल जाएगा, क्या निकलेगा, टोटल फोर्स। इसके बाद आपको सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दाब केंद्र, दूसरा स्टेप निकालना है क्या, दाब केंद्र, दाब केंद्र निकालने के लिए इसमें
थोड़ा सा एक आपने मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा होगा तो वहां पे एक मिला होगा आपका आपको वायरिंग नॉन थ्योरम, वायरिंग नॉन प्रमेय क्या कहता है, किसी अक्ष के परितः परिणामी फोर्स का जो घूर्ण होगा उस पर कार्य कर रहे सभी बलों का घूर्णों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि अगर ये फोर्स टोटल फोर्स कितना यह एक्ट कर रहा है तो इसका टोटल फोर्स का किसी अक्ष के परितः मान लेते हैं ओ के परितः जो फोर्स होगा क्या होगा मोमेंट क्या होगा यह इंटू एच स्टार। एच स्टार क्या है देखिए आपको मैं बताऊं, एच स्टार क्या है सेंटर ऑफ जो प्रेशर है आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है जहां पे टोटल फोर्स एक्ट करता है तो परिणामी जो फोर्स है ये कहां एक्ट करेगा सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर से दूरी मैंने क्या मान लिया है यहाँ पे एच स्टार मान लिया है ठीक। अब इसके बाद इतना तो हो गया आपको एफ इंटू एच स्टार एक आपको इक्वेशन मिल गया ये क्या है परिणामी फोर्स है ठीक। अब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं ना जो छोटे छोटे फोर्स एक पार्टिकुलर पॉइंट जो माने हैं एक पार्टिकुलर सीढ़ी इस पट्टी का कितना फोर्स था इस पर डीएफ था और डीएफ इंटू आपको क्या लगाना पड़ेगा वाई डिस्टेंस तभी तो मोमेंट आएगा आपको। तो जो आपका मोमेंट आएगा अब डीएफ का मान आपने क्या निकाला है आप देखिए जरा तो देखिए जो डीएफ आप मान निकाले हैं क्या है रो जी वाई साइन थीटा ठीक और इंटू डी ए ये क्या है डीएफ का मान आपको मिला था यहां से डीएफ का मान आप यहां से निकाल सकते हैं रोजी वाई साइन इंटू डी ए ठीक। अब यहां से देखिए इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया यही डीएफ का मान यहां पुट कर दिया अब आपको इतना चीज मिल गया। अब आपको मोमेंट लेना है दोस्तों ना तो ये डीएफ का मान रखते मोमेंट लेना है तो इसमें वाई से गुणा करा ही नहीं तो आपको मोमेंट मिल गया। अब इसको आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा रो जी वाई साइन रो जी साइन वाई को ना लिखिए साइन साइन थीटा लिख दीजिए और ये वाई वाई मिलकर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो कितना एक सीडी पट्टी है उसके लिए आपको मोमेंट मिला और क्या करता है पूरे अगर मैं क्या करूं बीजगणितीय योग क्या करता है बर्निंग का थ्योरम की जो छोटे छोटे फोर्स होंगे उनका बीजगणितीय योग कर लिया जाए यानी बीजगणितीय योग कर लिया यानी सबका क्या करते हैं समाकलन कर दें तो वही क्या होगा आपका जो परिणामी फोर्स एफ इंटू एच स्टार होगा इसी के क्या होगा बराबर होगा यही बर्निंग थ्योरम कहता है किसके परितः ओ के परितः। तो एफ इंटू एच स्टार का मान जो आपका मिला वो कितना मिल गया देखिए तो जरा देखिए रो जी साइन थीटा आपको बाहर मिला और अंदर क्या मिला वाई स्क्वायर डी ए और वाई स्क्वायर डी ए देखिए एफ इंटू एच स्टार बराबर रो जी साइन थीटा और वाई स्क्वायर डी ए क्या है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसको क्या बोलते हैं आई नॉट बोलते हैं। यहां से आपको कुछ मिला मैंने क्या किया इसी को अगले पेज में लिख दिया ठीक। यहां से एक माइनर मिस्टेक हुआ था यहाँ एच स्टार है ना एच स्टार नहीं होगा आपका वाई स्टार होगा ठीक। यहाँ पे जो आपका होगा क्या होगा वाई स्टार होगा ना ये वाई स्टार होगा ठीक। अब आपको यहां से क्या मिलेगा जरा देख लीजिए कि यहां से आप एक पॉइंट पा सकते हैं कि वाई स्टार यहां भेजें और एच साइन थीटा इधर भेजें तो वाई स्टार बराबर क्या हो जाएगा एच स्टार अपन साइन थीटा। तो यहां मैंने लिखा वाई स्टार बराबर एच स्टार अपन साइन थीटा। अब इसको हम वाई स्टार एफ इंटू एच स्टार अपन साइन थीटा बराबर क्या रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट ठीक। अब देखिए यहां से आपको एच स्टार रहने दीजिए बाकी निकालना एच स्टार यही रहने दीजिए करना क्या है साइन थीटा को इधर भेज दी तो साइन स्क्वायर थीटा रोजी साइन स्क्वायर थीटा और अपान में यप ठीक। और देखिए आई नॉट के ऊपर क्या समांतर अक्षों पर में से क्या होता है आई जी जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर ठीक। अब आपको एच स्टार ही तो निकालना है एच स्टार बराबर निकाल लीजिए रो जी साइन स्क्वायर थीटा और
f के जगह पर क्या लिखना है आपको, f का मान आपने देखिए निकाला है, f बराबर रो जी साइन थीटा y बार इनटू a। अच्छा y बार इनटू साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, देखिए y बार इनटू साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, h बार लिख सकते हैं, देखिए f बराबर रो जी एच बार इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक, यहां से इसको पक्षांतर करके। तो यहां पे हम क्या लिखना है, रोजी एच बार इंटू ए, रोजी से रोजी क्या हो गया आपका कैंसल हो गया, ठीक। अब इंटू ये क्या है, आई जी जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर। अब आपको वाई इसी तरह जिस तरह वाई स्टार है उसी तरह वाई बार भी तो है, तो वाई बराबर एच बार अपन साइन थीटा भी तो होगा, ये देखिए आपको, अब स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से y बार के जगह पर ये मान रख लीजिए, तो h स्टार बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान h बार इंटू a, और i g g a प्लस a, और h y बार के जगह पर h बार का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए जरा, तो क्या आएगा देखिए, एच स्टार बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, आई जी जी अपान एच बार इंटू ए प्लस ए एच बार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए और एच बार, साइन स्क्वायर थीटा से खत्म, ए से खत्म, और एच बार से एक एच बार खत्म बस। तो आपका फाइनली बचा क्या, देखिए एच जो एच स्टार है, एच स्टार बराबर साइन स्क्वायर थीटा आई जी जी अपान ए एच बार प्लस यहां पे क्या बचा, एच बार बचा, यही आपका फाइनली एच स्टार प्राप्त हुआ, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर वही प्राप्त हुआ आपका। अगर आपने पिछले का दो वीडियो नहीं देखा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, तो आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो प्लेलिस्ट होगा इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस।